सुनो, आज सुबह फिर काका जी का फोन आया था, तो आखिर बात क्यों नहीं करते? शोभा ने नाश्ता देते हुए आदित्य से कहा। तुमने तो बात कर लिया ना, आदित्य ने नाश्ता करते हुए कहा। गांव में बाबूजी की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, बार बार तुम्हें बुला रहे हैं, ना तो तुम उनसे बात करते हो, ना गांव जाने की तैयारी करते हो, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? शोभा ने गुस्से से कहा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप नाश्ता किया और फिर बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वह दफ्तर से लौटा तो उसने शोभा को बहुत परेशान पाया। आदित्य को आया देख वह किचन में चाय बनाने चली गई, तभी फोन की घंटी बजने लगी। शोभा किचन में थी इसलिए आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, कौन? आदित्य बेटा, मैं गांव से तुम्हारा काका बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन काका, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता हूँ। आप सब तो है ही हैं, सब संभाल लीजिए, बोलकर फोन काट दिया। सामने खड़ी थी उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने आदित्य से कहा, मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता की इतनी ज्यादा उपेक्षा करते हो। तुम्हारे पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से हो, कैसे बैठे हो तुम? बहुएं तो नाहक ही बदनाम है, शोभा बोलती रही, परंतु आदित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर टहलने को चला गया। शोभा आश्चर्य से उसे देखती रह गई। उसकी अगर अपने पिता से दो दिनों तक बात ना हो तो उसका मन बैठने लगता है, और यहाँ आदित्य कैसा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। और अगले दिन सुबह सुबह फिर खबर आई, बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा, काका जी ने फोन करके कहा। मुझे आते आते समय हो जाएगा काका जी, तब तक अपना सब क्रियाकर्म कर दीजिए, आदित्य ने निर्विकार भाव से कहा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? काका ने कहा। क्यों चाचा जी, माँ का कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ ये बोलकर उसने फोन काट दिया। शोभा ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए आदित्य से कहा, ठीक है तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी, कहकर एयरलाइंस वालों को फोन कर टिकट बुक कराने लगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। और जब तक ये दोनों गांव पहुंचे, बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के कार्यक्रम आदित्य के हाथों संपन्न करवाए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करती नजर आई। इस बार शोभा ने ये बात ठान लिया था कि इस रहस्य को जानकर रहेगी। सारे श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सारा घर खाली हो गया, काका काकी जी रह गए। उस दिन अच्छा मौका देखकर शोभा ने रात के खाने के बाद काका जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, काका जी आज मैं आपको आदित्य की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। काका जी ने विश्व भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है बहू जिसे पूछने के लिए तुम्हें आदित्य की सौगंध देनी पड़ गई? बात अगर इतनी गहरी न होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि मुझसे झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? काकी जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आदित्य ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी थी? शोभा ने पूछा। अभी वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, आते आते उन्होंने शोभा की बातें सुन ली थी। अरे तेरी काकी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन, कहते हुए थम से वह ओसारे पर बैठ गई और अपनी आंखों में भर आए आंसू को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे आदित्य, अपने बाप से जब से होश संभाला उसने तब से अपनी माँ को सताते हुए ही देखा है। आखिर दोष क्या था कुसुम का? पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। कुसुम का घराना काफी पैसे वाला और खानदानी एवं संस्कारी था,
और इधर आदित्य के दादाजी भी खानदानी जिम्मेदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामेश्वर, छोटा बेटा दिनेश्वर। देखने में दोनों ही मानो कामदेव के अवतार हो। इतने सुंदर और सजीला पास वाले गांव से बड़े बेटे रामेश्वर के लिए कुसुम का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उन दिनों रामेश्वर कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहे थे। गांव के सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को डाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया, बगैर उनकी मर्जी जानी उनकी शादी करनी पड़ी, तो ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक आठवीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनी खड़ी थी। उन दिनों आठवीं कक्षा में बोर्ड हुआ करते थे, लिहाजा वह उसमें समय की पढ़ी लिखी बोर्ड पास लड़की थी। संस्कारी थी, अच्छे घराने से थी। उन दिनों शादी के लिए यही देखा जाता था। रामेश्वर बाबू ने सपना देखा था कि वह अपनी ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे। परंतु अपने सपनों को ये हसर देखकर बगैर किसी को बोले रातों रात वे गांव से वापस कोलकाता को आ गए। बेचारी कुसुम सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर देखा और लौटकर जो गए फिर वर्षों ना आए। रामेश्वर के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी कलकत्ते भेजे, परंतु रामेश्वर लौटकर नहीं आए। दिनेश्वर की शादी हुई, भाई की शादी में भी रामेश्वर नहीं आए। रामेश्वर के पिता जब कुसुम को देखते दुख से उनका हृदय भर जाता। बिना किसी शिकायत के दिन भर कुसुम सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी। दिनेश्वर अपनी भाभी की बहुत इज्जत करते थे। अपने भाई के रवैये से वे भी बहुत दुखी थे, परंतु उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। किसी दिन अगर किसी चीज में मदद कर देते या हमदर्दी के दो बोल बोल देते तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। कुसुम सब सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी का क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वे सदा हाथ भर घूंघट में ही रहती। निःशब्द सुखों की भांति ही शब्द भी उसकी जीवन से विलीन हो गए थे। कुछ भी पूछ जाने का जवाब उस हुआ सर हिलाकर हाँ या ना में हाँ देती। रामेश्वर के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लग गए थे। और शायद इसी दुख के कारण एक दिन हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। रामेश्वर जी को कोलकाता खबर की गई, साथ ही उन्हें लेने को गांव से कुछ लोग भी गए और उन्हें साथ लेकर आए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी बस कुछ दिनों तक रामेश्वर को गांव में रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान लें, और रामेश्वर रुक गए। आखिर जायदाद का लालच कैसे नहीं होता। इसी बीच कुछ महिलाएं जो रामेश्वर की भाभी लगती वे सब मिलकर पकड़कर रामेश्वर को जबरदस्ती कुसुम के कमरे में बंद कर देती थी और बाहर से ताला लगा देती थी। और वे सब मन ही मन प्रार्थना करती थी कि शायद दोनों के बीच प्रेम जाग जाए और बेचारी कुसुम की तकदीर खुल जाए। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन रामेश्वर वापस कोलकाता लौट गए और कुछ महीनों के बाद पता चला कि कुसुम के पैर भारी हैं। सारे गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि शायद इस बच्चे की वजह से रामेश्वर अपनी पत्नी को अपनाने। परंतु कुसुम यह जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत, जैसे मजबूरी में रामेश्वर को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी वह बेचारी सारे काम करती और अपनी देवरानी की हुकुम बजाती। दिनेश्वर बेचारे की पत्नी के आगे एक नहीं चलती। ऐसा नहीं था कि कुसुम के मायके वाले सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वे कई बार कुसुम को लेने के लिए आए, परंतु कुसुम अपने मायके नहीं गई। उसने एक पंक्ति में कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आप सभी ने तो मेरे सुख के लिए ही मेरी शादी की थी। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर,
भगवान उस पर थोड़ा सहाय हुए। उसने एक गोरे चित्ते स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई। गाये बगाये उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता ये बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। कुसुम का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा दिया करती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले ही की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ से काम। दिनेश और बाबू ने कई बार भाभी की मदद के लिए घर में काम वाली रखी, परंतु उनकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव का पीला लिए कुसुम प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रही, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा आदित्य। उसी के पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती। जबकि बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन ना मिलने के बाद, ना कोई डॉक्टर सहायता मिलने के बाद, धीरे धीरे कुसुम के शरीर में बीमारी ने घर कर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वे भी दुनिया से चले गए। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी चाची, साल, सास और दादी थी, वे सभी उसे बहुत मानती थी। कुसुम ने सोचा था एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी, परंतु तकदीर कोई आप भी मंजूर नहीं था। रामेश्वर बाबू तक खबर पहुंच गई कि कुसुम को एक बेटा पैदा हुआ है और वह उन्हीं की तरह गोरा चिट्टा सुंदर और स्वस्थ है। वह कुसुम के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सारे गांव वाले गवाह हैं कि वह उस 10 दिनों तक लगातार कुसुम के साथ कमरे में ही थी और उनसे उनका संबंध बना था। उधर कोलकाता अपने पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ उनका अनैतिक संबंध बन चुका था। उस महिला के रूप के जाल में इतना फंस चुके थे कि वे उसके पूरे घर का खर्च चलाते थे और इनके भी घर की मालकिन वही थी। इन दोनों के संबंधी को चर्चा खुले आम होती कि गांव में भी सब लोगों को इस बात की जानकारी थी। स्वयं कुसुम को भी पता था। पता नहीं उस महिला के पति किस मिट्टी के बने हुए थे कि उसने अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों से कोई आपत्ति ना थी, लेकिन जब उसने पुत्र होने की सूचना मिली तो उन्होंने सोचा अगर वह गांव में रहेंगे तो वह भी गंवार ही रहेगा। इसलिए वह कुछ समय का इंतजार करते रहे और 4 साल के बाद अचानक से गांव पहुंचे। सभी गांव वालों ने और उनके छोटे भाई ने भी उनका बड़ा स्वागत किया और मन में एक आशा जगी कि शायद अब वह कुसुम को अपना लेंगे। परंतु भारी दुर्भाग्य, अगले ही दिन सुबह उन्होंने अपने बेटे को लिया और हुक्म सुना दिया कि उसे लेकर वह कोलकाता जा रहे हैं। कुसुम के ऊपर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। जो बच्चा उसके जीवन की आस था, उसके दूर होने के कल्पना मात्र से मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। रामेश्वर बाबू ने किसी की नहीं सुनी और अपने बेटे को लगभग खिलते हुए गोद से उठाकर चल पड़े। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज उनसे बच्चों के भी बाप बनकर आए थे। ना जाने कितने दिनों तक कुसुम बिना अन्न पानी के अपने कमरे में मुंह छिपाए रोती रही। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपने माँ को भूलने लगा। रामेश्वर बाबू ने अपनी पड़ोसन को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में बेचारी कुसुम हर छठ अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिया की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करते थे। लोग मन का ये रोग तन पर भी भारी पड़ा और एक दिन पता चला उसे कैंसर हो गया है। उस दिन गाँव में किसी के आंगन में चूल्हा नहीं जला। जितनी भी सास और ददिया सास थी, वे भी बेचारी खूब रोईं, परंतु उनके रोने से कुसुम का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उनके मायके खबर दे दिया गया, उनके सारे भाई और माता पिता आए, सभी का दुख से बुरा हाल था। इतने वर्षों के बाद अपनी बेटी को देखकर कुसुम की माँ तो बार बार बेहोश खाकर गिर जा रही थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन जिसे बड़े नाजों से पाला गया था, सभी ने परंतु उसकी किस्मत नहीं लिख पाए। सभी कुसुम को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु हाय रे हट योगनी, उसने स्पष्ट रूप से माँ के साथ जाने से मना कर दिया और बोली,
एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती, मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब मेरे ऊपर दया करना ही चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए, बस इतनी ही विनती है। बेचारी हार कर सभी मायके वाले वापस चले गए। इधर जब उसकी देवरानी को उसकी बीमारी की खबर लगी तो उसने आनन फानन में थोड़ी दूर पर वाली जमीन पर अपना घर बनवाया और वहाँ रहने चली गई। इतनी बड़ी हवेली में बेचारी अकेले दर्द से तड़पती पड़ी रहती। दिनेश्वर जी ने अपने बड़े भाई को अपने भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और इनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल रामेश्वर बाबू का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, मैं वहाँ का कोई हिसाब तो मांगता नहीं हूँ तुमसे, तुम सब तो हो ही, इलाज करवा दो। इस पर दिनेश्वर जी ने अपने भाई से कहा, आपको हिसाब मांगने की जरूरत कहाँ पड़ती है भाई साहब, जो कुछ भी होता है वह मैं आपको आधे बैठ कर भिजवा देता हूँ, इतने कठोर मत बनिए भाई साहब। एक बार आकर आदित्य भाभी को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वे चैन से मर सके। परंतु इन बातों का कोई भी प्रभाव रामेश्वर जी पर नहीं पड़ा। पास के आंगन की बूढ़ी काकी व कुसुम के साथ छाया की तरह बैठी लगी रहती, समय पर दवा देती, जबरदस्ती कुछ खाना खिलाती और उसके मन को बहलाने की कोशिश करती और जी भर कर कोसा करती रामेश्वर को। और फिर भी एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद सारे गांव वालों को और रिश्तेदारों को धीरज टूट गया। कुसुम के भाई और गांव के कुछ गणमान्य लोग सभी साथ में दिनेश्वर जी के लेकर कोलकाता पहुंचे। उस वक्त रामेश्वर जी घर पर नहीं थे। जब उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो उनके उसी पड़ोसन ने दरवाजा खोला और पर्चे पाने के पश्चात घर में बुलाया और ढेर सारा नाश्ते के सामान परोसा। कुसुम के भाई और दिनेश्वर जी ने सारे सामान को फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए, रामेश्वर कहाँ है और आदित्य कहाँ है। इसी बीच अपने कमरे से आदित्य बाहर निकला। उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उस महिला से कहा कि ये लोग कौन हैं? आपके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इतना सुनते ही दिनेश्वर जी ने आदित्य को अपनी ओर खींचा और जोर से चीख कर बोले, जो औरत तुम्हारी माँ नहीं है यह उल्टा है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में मर रही है, तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही गांव से तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे, कहते हुए गुस्से से कांपने लगे थे। आदित्य बेटा तू अपने कमरे में जा। उस महिला ने आदित्य को बाहर भेजने की कोशिश की, कहीं भी नहीं जाएगा या आप हमारे साथ सीधे गाँव जाएंगे। रामेश्वर आए तो उसे कह देना, गुस्से से बाहर आते हुए गांव के मुखिया चाचा ने कहा। और हाँ एक बात जरूर कह देना रामेश्वर से, कुसुम के भाई ने उस महिला से कहा कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे, सारा समाज सारे परिवार सब लोग हमारे पक्ष में हैं, बोल देना। आदित्य तो सकते में था, उसे आज तक पता ही नहीं था उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को भी देखा था। उसके पिता के साथ उसे लेकर सभी गांव आ गए। कुसुम के तो मानो प्राण लौट आए जब उसके दिनेश्वर काका ने ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ है ये, क्या हालत बना दी है तेरे बाप ने। आदित्य भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। आप वह 12 साल का बच्चा था, उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। सारे रिश्तेदार गांव के लोग चाचा दादी नानी काका मामा सब के मुंह से अपने माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर उसका हृदय हाहाकार उठा। कुसुम अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं आईं। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पहले ही आ जाएगा और ऐसे में बेचारी कुसुम आदित्य को अपने सीने से लगाए रात भर रोती रही। सुबह होने तक रामेश्वर बाबू आ गए थे। आते ही क्रोधित होने का ड्रामा किया, परंतु इस बार पूरे परिवार और गांव वालों के सामने उसकी एक भी नहीं चली। सभी ने मिलकर उस पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। दिनेश्वर बाबू ने अपने भाई से कहा, भाई साहब
भाभी और दो चार दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और आदित्य दो चार दिनों तक यहीं रुक जाएं। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उसकी चिता को अग्नि आदित्य ही दे। इस पर बरसते हुए रामेश्वर बाबू ने कहा, कानूनी कार्रवाई की धमकी किसे देते हो? छोटे पल भर में ये साबित कर दूंगा कि वह बीमार और पागल औरत है, मेरे बच्चे को संभालने के लिए लायक नहीं है। दिन भर गाँव के सभी लोग रामेश्वर जी को समझने का प्रयास करते रहे, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी और आदित्य का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगे। आदित्य ने रोते हुए कहा कि पापा माँ अब नहीं बचेगी, उनके अंतिम समय में तो मुझे साथ रहने दीजिए। उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भयानक तूफानी मौसम में रामेश्वर बाबू जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर रातों रात निकल गए। कुसुम बेचारी रोती बिलखती रह गई। बेचारी बेटे के हाथ के साथ काफी दूर तक घसीटते हुए आ गई। आदित्य का हाथ पकड़े बार होते हुए बोली, मेरी चिंता को अग्नि दे देना बेटा, उसके बाद ही जाना। परंतु रामेश्वर बाबू बेटे का हाथ खींच कर लेकर चलते बने और बाहर इतनी भयानक थी, लगता नहीं था कि सुबह भी हो पाएगी। कैंसर अपनी अंतिम चरण पर था, उस पर इतना मानसिक दारुण दुख, रात भर दर्द से कुसुम तड़पती रही, चिल्लाती रही, बूढ़ी काकी दवा पर दवा देती रही, गर्म पानी से उसकी सिकाई करती रही। उसकी सांसें टूटने लगी थी, उसने टूटते हुए सांसों के साथ काकी का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। और भोर होते होते तक उसने दम तोड़ दिया। सभी रो रहे थे, किसी ने कहा कि चलो उसे इस कष्ट से मुक्ति तो मिली। तुरंत ही भाड़े की गाड़ी कर गांव के बड़े बुजुर्ग कोलकाता निकल पड़े आदित्य को लाने के लिए। ये सब उसके घर पहुंचे और कुशल की मृत्यु का समाचार दिया, आदित्य को साथ चलने को कहा, परंतु रामेश्वर बाबू ने आदित्य को नहीं जाने दिया। कहा, अभी चार दिनों तक इसकी परीक्षाएं चलेंगी, परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों गांव आ जाएंगे, तब तक वहां छोटे है वो संभाल लेगा, आप सब जा सकते हैं, कहकर दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य रोता हुआ रह गया, अपने पिता के आगे उसकी एक न चली। उसकी आंखों के आगे से आज भी वही दृश्य नहीं हटता था कि कैसे उसकी माँ रोती हुई उसका हाथ पकड़े हुए कितनी दूर तक जमीन में लुढ़कते हुए आ गई थी और रोते हुए उसके चिता को अग्नि देने की बात कह रही थी। सात दिनों बाद रामेश्वर बाबू और बेटे को लेकर गांव पहुंचे, तब तक लगभग श्राद्ध के क्रम समाप्ति पर थे। धीरे धीरे समय बीता, आदित्य अपनी उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु चला गया और वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की शोभा के साथ शादी की। इधर जब धीरे धीरे रामेश्वर बाबू के पैसे खत्म हुए, नौकरी गई, तो उनकी रखेल ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। बेटा उनसे बात तक नहीं करता था। हार कर उन्होंने गांव का रुख किया, परंतु सारे रिश्तेदार और गांव वाले सभी दूर दूर ही रिश्ते रहते, उनसे कोई बात तक ना करता। जब दिनेश्वर बाबू ने छोटे भाई से इसलिए लोक लाज के लिए कभी कभार उनकी खैरियत पूछ लेते थे। कुछ दिनों तक रामेश्वर बाबू अपनी पूरी ऐठन में रहे, ऐसा जताते थे मानो किसी रिश्तेदार और गांव वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं, वह अपनी पुश्तैनी जायदाद पर आए हैं। खेती बाड़ी का काम तो दिनेश्वर संभालते थे, इसलिए उस काम से उनका कोई लेना देना नहीं था और घर के सारे काम वह स्वयं भी कर लेते थे। इस तरह समय बीतने लगा। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। अपने बेटे को जब जब फोन लगाते वक्त वो कभी फोन नहीं उठाता। उस दिन उनका मन बड़ा ही दुखी हो जाता जब पता चला उनके बेटे ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनका पोता भी हुआ है। उन्होंने अपने बेटे की चिट्ठी लिखी, फोन लगाए, परंतु किसी का जवाब नहीं मिला और एक दिन हार कर वे स्वयं पिता पता पूछते हुए बेंगलुरु पहुंचे। बहुत समय लग गया आदित्य का घर ढूंढने में। जैसे तैसे फोन नंबर और ऑफिस के पते के जरिए घर पर पता लगाया और घर पहुंचे। घर का दरवाजा उनकी बहू ने खोला, परंतु वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब परिचय दिया तो आदर सहित अंदर ले गई। आदित्य जब घर लौटा तो अपने पिता को देखकर चौंक गया। उसने उनसे कोई बात नहीं की। आखिर हार कर रामेश्वर बाबू ने अपने बेटे को कहा,
इतने बरस हो गए बेटा, ना तो तुम कभी आते हो, ना बात करते हो, ना तो तुमने अपनी शादी और बच्चे की खबर की। आखिर मैंने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी की? और क्या बेटा, तुम्हारे लिए एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाती, पर तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके साथ तुम्हारा कोई मेल ही नहीं। क्या जरूरत थी इस मद्रासन से शादी करने की? तो क्या करूं बाबूजी, मैं भी आपकी तरह पड़ोस की किसी औरत को रखूं जो सुंदर हो? बहुत ही कड़वे शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया। रामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं चमड़े के रंग की जगह मन की सुंदरता को गुण देखता हूँ, और जो आपने मेरी माँ के साथ किया शायद ये उसका पश्चाताप भी है। और आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा है, मैंने अपनी पत्नी से पसंद से उसके साथ विवाह किया है और वह मेरी सच्ची जीवन संगनी है। कभी भूले से भी उसका अपमान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने शोभा को कुछ नहीं बताया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो दोबारा कभी हमारे घर मत आइएगा और ना हमसे कोई संपर्क रखने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाएं। एक सांस में आदित्य ने अपनी सारी बातें संपन्न की। तब तक शोभा खाने के लिए बुलाने को आ गई थी। खाना खाते हुए आदित्य ने शोभा से कहा, पापा के सामान की पैकिंग कर देना और कुछ खाने का भी सामान रख देना, आज रात की ट्रेन से पापा वापस जा रहे हैं। शोभा ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं, अभी कुछ दिन और रह लेते तो अच्छा होता। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, कहकर आदित्य उठकर अपने कमरे में चला गया। बेचारे रामेश्वर बाबू थोड़ी देर अपने पोते के साथ खेलते रहे और आंसू बहाते रहे। समझ चुके थे कि आदित्य अपनी माँ का बदला उनसे ले रहा है। उन्होंने चुपके से अपनी बहू शोभा का फोन नंबर ले लिया था और गांव आ गए। अब जब कभी भी जी घबराता दोपहर के समय जब आदित्य अपने ऑफिस में हुआ करता था तो अपने बहू और पोते से बात कर लिया करते। अपने ही हाथों रामेश्वर बाबू ने अपनी जिंदगी का सुख चैन मान सम्मान सब खत्म कर दिया था। शाम के समय प्रतिदिन दिनेश्वर बाबू अपने भाई से मिलने जरूर आते, थोड़ी देर बैठते, अपने भाई के हाल पर उन्हें भी दुख होता, परंतु वे कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कई काम वाली महिलाओं को भी कहा कि जाकर बड़े भाई के घर काम कर दिया करें, परंतु सभी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि हमारे घर तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, कम से कम दो वक्त का खाना भाई साहब को भिजवा दिया करो, परंतु उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया। सारे परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अब बीमार रहने लगे थे, बिस्तर पकड़ लिया था, जितना बन पड़ता था छोटा भाई आकर देखभाल कर जाता, क्योंकि उसका घर भी उसके घर से कुछ दूरी पर था, साथ रहने पर शायद इतनी परेशानी नहीं होती। और अब अंत समय आया तो उन्होंने भी बार बार आदित्य को फोन किया, परंतु आदित्य के जवाब के आगे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब वो कुसुम भाभी का आखिरी वक्त था तो उन सभी ने कितनी विनती की थी भाई साहब और आदित्य से रुकने की, परंतु वे लोग ना रुके और उसी रात उनकी भाभी ने प्राण त्याग दिए। तो और उनकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि आदित्य उसकी चिता को अग्नि दे, और इसी वजह से आदित्य अपने पिता की चिता को अग्नि देने नहीं आया। इतनी सब कहानी बताते बताते बूढ़ी काकी फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसने शोभा को बताया, उस रात जब दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी तो सारी रात में उस अभागन के साथ थी, काश उसकी जगह मैं मर जाती, बड़े जो दुख झेले जीवन में मेरी बहू ने, उसके लिए कोई भी उसका सगा नहीं था, कहकर वह उसकी लेकर रोने हिचकी लेकर रोने लगी। शोभा ने बड़ी मुश्किल से पानी पिलाकर उन्हें चुप कराया, वह खुद भी रो पड़ी। और शोभा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ससुर का ऐसा भी रूप था, उसकी आंखों से भी गंगा यमुना की धार बह रही थी, उसकी सांवरिया नजरें काकी की ओर उठी। उसने कहा कि आप भी तो एक औरत ही हैं काकी, आपने उस दुखिया औरत पर इतने जुल्म कैसे किए और इतनी घटिया आरोप किस तरह लगाए, क्या आपको उन पर जरा सा भी दया नहीं आई? काकी ने अपनी नजरें झुका ली थी। क्या कहती, अपनी बूढ़ी चाची सास के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकी? उस दिन सारी रात सो भी नहीं पाई और सुबह होते ही उसने आदित्य से वापस चलने को कहा और वे सभी वापस बेंगलुरु अपने घर आ गए।
आकर वह खूब रोई और आदित्य से बोली, मुझे माफ कर दो आदित्य, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबू जी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, परंतु तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच का पता नहीं था और मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। मुझ जैसी साधारण नए नक्स वाली लड़की को तुमने अपनी जीवन साथी बनाया और मुझे इतना प्यार करते हो। वह देर तक रोती रही। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में समेट उसे दिलासा देता रहा। उसके मन में थोड़ी शांति थी कि ज्यादा नहीं, परंतु कुछ तो अपने माँ की आत्मा को शांति पहुंचाए और बचपन से पल रहे अपने मन के प्रतिशोध को पूरा किया। उसका मन और उसकी अंतरात्मा आज दोनों ही हल्के हो चुके थे। उन दोनों ने जाकर आदित्य की अलमारी से उसकी माँ की फोटो निकाली और दीवार पर फूल मालाओं के सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती कुसुम मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आपको आदित्य का फैसला कैसा लगा, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।